ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टेड हैमर जो कि रेड कलर का एक होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे हमें उसको ट्रेड करना चाहिए, और ग्रीन कलर के इन्वर्टेड हैमर के मुकाबले ये रेड कलर का थोड़ा सा वीक क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलो आज का ये वीडियो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले उसका जो शेप है वो देख लेते हैं। जैसा कि उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, तो वो हैमर जो है वो उल्टा हैमर जैसा उसका शेप होगा, और उसका कलर जो होगा रियल बॉडी का वो रेड होगा। यहां पे हम ब्लैक ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लुक है वो ऐसा रहेगा, और यहां पे ये ऐसे डार्क होगा, और हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर ये कलर हमें यहां पे दिखता है रेड। अब सबसे पहले ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कौन सी है, ये थोड़ी सी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन यहां पे वीकनेस ज्यादा है, मतलब बुलिशनेस इसकी जो है वो मॉडरेट या तो कम लेवल की है। तो जब भी हमें कोई बुलिश पैटर्न को ट्रेड करना है तो एक उसका बड़ा सा जो ट्रेंड है वो ऊपर होना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो अल्टीमेटली ऊपर उसको जाना ही नहीं है, अल्टीमेटली उसको नीचे जाना है, तो आप चाहे कितना भी अच्छी जगह पे एंट्री कर लो, आप बाउंस आएगा और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको कंटिन्यूअसली लॉस होगा। तो आपको पहले देखना क्या है, आपको पहले एक अपट्रेंड चार्ट देखना है जिसका एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है। जब स्टॉक यहां पे ऐसी करेक्शन ले रहा है तो यहां पे हमें ये जो एक एरिया है करेक्शन का एंड होने का, यहां पे एक एरिया होता है, वहां पे इस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलती है। ये ऐसे ये रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर यहां पे देखने को मिलता है। और अगर ये रेड कलर का यहां पे जो हैमर बनता है ये इन्वर्टेड हैमर, और उसका अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया, तो अच्छे चांसेस होते हैं कि वो अपना अपट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या तो थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंस तो देगा ही देगा। यहां पे ऐसे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम हर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो वैसे इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट का ओपनिंग 100 रुपीस के ऊपर सुबह होता है। सपोज यहां पे मार्केट ओपन होती है 100 रुपीस के ऊपर। अब यहां पे क्या था, थोड़ा करेक्शन का मोड था, तो करेक्शन के मोड में नॉर्मल थोड़ी सी हवा डाउन साइड की होती है। तो ये स्टॉक मार्केट ने यहां ये जो फाइनेंशियल चीज है, ये जो इंस्ट्रूमेंट, उसने थोड़ा सा यहां पे गिरावट देके अपना 98 के आसपास एक लो क्रिएट किया, और फिर वहां से मार्केट में एक तेजी आई जो कि मार्केट को एकदम बहुत ही अच्छा बड़ा मूव देके हाई पे ले गई, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट यहां से गिरते गिरते कुछ नीचे ऐसे आती है, और यहां ये 98 के ऊपर क्लोजिंग देती है। यहां पे मार्केट ने 98 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये मार्केट का काम कैसे हुआ, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं। 100 के ऊपर सुबह मार्केट ओपन हुई, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट ऊपर गई ऊपर गई, यहां पे कुछ 110 रुपए के आसपास उसने चाल दे दिया इतना बड़ा, और फिर वापिस जो मार्केट है वो कूल डाउन होके 98 के आसपास आके अपना क्लोजिंग देता है। तो यहां पे फिर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट का ओपनिंग यहां पे हुआ, मार्केट ने अपना हाई यहां पे बनाया और क्लोज यहां पे दिया। अब यहां मार्केट 100 रुपए पे सुबह ओपन हुई, लेकिन शाम को क्लोज हुई 98 के ऊपर। ओपनिंग ऊपर हुआ, क्लोजिंग नीचे हुआ, मतलब उस दिन थोड़ी मंदी हुई ऐसा देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बॉडी है उसका कलर ये रेड या तो कहे यहां पे ब्लैक दिखेगा, और ये हमारा इतना बड़ा ये शैडो है, यहां ऊपर का रेट ये है 110। अब जब ये हैमर जो है उसका यहां से ये ब्रेकआउट आता है, तो उसके ऊपर जाने का या तो ये ट्रेंड का ऊपर का कंटिन्यूएशन जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हमारा एनालिसिस कुछ गलत हुआ या तो कुछ दिक्कत हुई, तो ये यहां पे हमारा थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए जहां से हमें एग्जिट कर देनी चाहिए। और जब हम यहां पे मान लीजिए कि हमने जैसा सोचा, हमारा जो एनालिसिस है वैसे मार्केट ऊपर गई, तो हमें एग्जिट कब करना है, जितना हमारा एक इनिशियल स्टॉप लॉस है ये आर,
सपोज आर रुपीज हमारा स्टॉप लॉस है इतना, तो हमें 2R या तो 3R पे एग्जिट करना चाहिए, ये 2R या तो हमें 3R के ऊपर एग्जिट करना चाहिए। मतलब क्या, सपोज 10 रुपए हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 20 रुपए या तो 30 रुपए हमारा जो है वो प्रॉफिट का टारगेट रहेगा। यहां पे एक सेम टू सेम पिछले एपिसोड में हमने कैंडल स्टिक देखी थी, वो सेम यही कैंडल स्टिक थी, लेकिन उसका कलर जो था वो ग्रीन था। उसका नाम क्या था, इन्वर्टेड हैमर, वो ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर था। ये भी इन्वर्टेड हैमर है लेकिन ये रेड कलर का। जब भी हमें कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है तो ये ग्रीन कलर में जब होती है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होती है, लेकिन रेड कलर में उसका जो कन्वीनियंसी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब ब्रेकआउट आता है, यहां पे क्या होता है, ये एक मार्केट का, मान लीजिए एक कंफर्ट लेवल है, ये मार्केट का एक कंफर्ट जोन है। जब मार्केट ये कंफर्ट जोन के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मार्केट ने ये एरिया को क्लियर करके अब उसने अपनी ऊपर की चाल जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन कभी कभी मार्केट में क्या होता है, मार्केट एग्जैक्ट नहीं चलती परफेक्टली, तो कभी कभी यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन जब हम जब राइट होते हैं तो हमें हमारा प्रॉफिट भी मिलता है। तो यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड से काम होता है। सो यहीं पे ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसका एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।